हेलो फ्रेंड, दिस इज शोभा यादव। वेलकम टू एजुकेशन टॉक विद शोभा। फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं इस बार, अभी काउंसलिंग तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने चाहिए, ताकि आपको बाद में दौड़ना ना पड़े और आपका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, और वो भी एकदम सही, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में कि एकदम सही जानकारी, सीधी बात, नो बकवास। तो एकदम वैसा ही मैं यहाँ आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने भी बीएड में एडमिशन लिया लास्ट ईयर, और मुझे पता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे रेडी करवाने पड़े थे। इन्फॉर्मेशन की कमी से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप जो अपना आधार कार्ड में जो आपके नंबर है, वो आपका अकाउंट से लिंक जरूर होना चाहिए आपके। पहले तो आप ये काम करा लीजिए, और दूसरी बात, आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और बीए जो आपने स्नातक कर रखा है, बीए बीएससी बीकॉम, उसकी मार्कशीट, और उसके साथ साथ में अगर आपने एमए कर रखा है, परास्नातक यानी कि पीजी, तो उसकी भी आपके पास मार्कशीट की तीन तीन आप फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, वो लगेंगी। इसके साथ आपका आधार कार्ड, उसकी भी फोटोकॉपी करा लें, तीन तीन करा लें अभी के लिए, क्योंकि तब ज़रूरत लगती है फॉर्म में। एंड प्रवेश पत्र, जो आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस वाला, उसका जो प्रवेश पत्र है उसकी भी फोटोकॉपी करा लें, और उसके साथ में जो आपका स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट आया बीएड का, उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। साथ ही साथ में आप जात, निवास और आय प्रमाण पत्र, यानी कि अपना जितना भी ये प्रमाण पत्र है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए अगर बना हुआ है आय, जात, निवास, क्योंकि अगर उसमें 3 साल की डेट पूरी हो चुकी है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अभी ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। और इसके साथ अगर आप मान लीजिए कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने सारी अपनी पढ़ाई की है, और अब आप जा रहे हैं बाराबंकी, दूसरी यूनिवर्सिटी आप बदल रहे हैं, बाराबंकी में जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो आपको माइग्रेशन, यानी कि उसी को टीसी भी बोलते हैं, आपको आपके पास होना चाहिए, माइग्रेशन आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप जहाँ से, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना किया हुआ है पीजी या यूजी, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, और वहाँ से आपको माइग्रेशन मिल जाएंगी। खैर, ये अभी ऐसा नहीं करना होता है, अभी आपको ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको 1000 रुपया पे करना है, आपके घर पे आपका माइग्रेशन आ जाएगा। आप चरित्र प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है जो यूनिवर्सिटी बदल रहे हैं उनके लिए, और इसके साथ में जो अनुसूचित जात वाले लोग हैं उनके लिए शपथ प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। और हाँ, जो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, या आप चाहें तो अभी बनवा लें, ये वैसे तो बाद में भी लग जाता है, लेकिन अगर आप अभी बनवा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम बढ़िया फ्री होकर एडमिशन ले सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इसके बाद यानी कि काउंसलिंग की डेट आएगी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी एकदम बढ़िया अच्छे से। तो लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो ये चैनल है, ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, कैसे कैसे काउंसलिंग डेट आई है और कैसे कॉलेज लॉक करना है, क्या आपको मैं सब बताऊंगी। तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स, जितना मैंने बताया है इतना ज़रूर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम हुई थी बाद में, तो आप इतना ज़रूर कर लें। और हाँ, आधार वाले नंबर को अपने अकाउंट नंबर से लिंक कराना मत भूलें, अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराना मत भूलें, क्योंकि यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आई थी। तो फ्रेंड्स, और हाँ, आधार में आप ये भी चेक कर लें कि आपके आधार में जो पापा का नाम है, जो आपके यहाँ का एड्रेस है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि ये भी आपको सही कराना पड़ता है। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनका अकाउंट नहीं होता है, खुलवाना पड़ता है तुरंत ही, तो तब पैन कार्ड मांगा जाता है, तो दिक्कत होती है, तो आप पैन कार्ड भी बना लें। फ्रेंड्स, इतने ही डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अभी रेडी करने हैं, और फालतू की जो चीज़ें मतलब बहुत से लोग बताते हैं, तो आप उन सब चक्कर में ना पड़े, आपको लगेंगे वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके बाद लगेंगे, अभी ये इतने इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप अगर बीए मतलब आपने बीए कर रखा है या एमए कर रखा है, आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी, आप डिग्री भी अपने कॉलेज जाके ले लें, ये सब काम आप पहले ही ख़त्म कर लें, ताकि आराम से एकदम फ्री माइंड से आप एडमिशन ले सकें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल इजी लैंग्वेज एकदम अपनी भाषा में मैंने आपको समझाया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट के लिए, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो इसके बाद आपको बहुत कुछ करना है।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।